तरह से डैमेज हो चुका है दोस्तों। कोशिश करेंगे कि इनको इनकी जो है जान जो है बच जाए, ये टूट गया है। इधर बगल में है, इधर कोने में लास्ट नहीं, उसको अंदर आने नहीं सकते। आए बुलाए हैं तो क्या गए हैं पाइप है, पूरा फन फन आवाज आ रहा है बास में, बास में ये जो देख रहे हैं ना सरियाया हुआ है इसमें। हाँ 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 ठीक है। नमस्कार दोस्तों, जो अभी हम पहुंचे हुए हैं, ये कौन सा जगह भैया? कर्माटाल सेवा विहार। सेवा विहार कर्माटाल जगह में यहाँ से एक कॉल आया था, तो इन लोगों का मानना है यहाँ पर एक सांप देखा गया था। हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहे, देखते कौन सा सांप है, जहरीला है या बिना जहरीला है। फिलहाल हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहे। सामने क्या सांप दिख चुका है दोस्तों, जैसे कि ये सांप जो है वो भारत देश का जहरीला में नंबर दो पे आता है, ये स्पेक्टियल कोबरा, और जिसको हम लोग भारतीय नाग जानते हैं नाग से, और ये बहुत ही जहरीला होता है। और अभी इस सीजन में बहुत ही कम मिलेगा आपको, रेयर मिलेगा, क्योंकि ये खाना खाने के बाद जो है कि वे ठंड में हाइड्रेशन में चले जाते हैं। तो हमको लगता है ये सांप भूखा होगा, इसलिए चूहा के पीछे जो है इनके घर में घुस गया है। तो चलिए फिलहाल इसको हम रेस्क्यू करके बाहर ले चलते हैं और इसको पैक करके पर्यावरण में रिलीज करेंगे। जुड़े रहिएगा। ओह माय गॉड, मारे थे क्या? मरा नहीं है, सांप को मारी मत। फ्रेंड्स देख सकते हैं, इन लोगों को खास इन लोगों को उतना जानकारी नहीं था, तो इन लोगों ने क्या कि हो सकता है एक आध डंडा इनको लगा है, एक दो डंडा लगा है पूंछ में, जहाँ भी है और देख सकते हैं ये ब्लड है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल इसको हम निकालते हैं और इन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि सांप को कभी मारे नहीं। ये देख, ये भारतीय नाग है दोस्तों, देखिए तो रेस्क्यू करते हैं। में लग गया ना चोट उसको, ये अभी सुस्त हो गया है। जी बिल्कुल, पूरा सुस्त हो गया, देख चोट लग गया है ना, ये यहाँ कुछ टूट गया है, टूट गया है समझे, मांस टूट गया है ना उसको। अच्छा हुआ कि तो आप पीछे इसका ये किए, ठीक है, अगर इस जगह मारते ना तो हम बचा नहीं पाते। नहीं अभी बच जाएगा ये, अभी कोशिश करेंगे हम अपना पूरा इसको, अभी नहीं बचेगा, अभी बचेगा। ठीक है, आपको ऐसे भी आप सांप को कभी मारे नहीं, क्योंकि ये हमारा ईगो फ्रेंड है। हम लोग का क्या है ना कि हम लोग डर नहीं, देखिए सांप के नाम से ही डर है, सांप नहीं सांप का नाम से डर है सर। ठीक है, आप कॉल करें मेजबान को, हम लोग बचाने के मुहिम से जुड़े हुए हैं। देखिए इसका भी हमको थोड़ा सा हल्दी खा दीजिए, हल्दी चलिए, चोट लगा है, हम कोशिश करेंगे इसको ठीक करने का। देखिए यहाँ पर से चोट है, देखिए ये पूरा टूट चुका है, दिखाओ कैमरा मैन थोड़ा जूम करो, देखिए देखिए ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है दोस्तों। कोशिश करेंगे कि इनको इनकी जो है जान जो है बच जाए, ये टूट गया है। देखिए टूट गया है ना, हल्दी हमको दीजिएगा तो कागज में, हल्दी 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 दो,
सामने बैठो तुम, ये आंख से उसका कवर एक साइड पर पहले भी कहीं मार खाया, भी मार खाया, कोई दम ही नहीं, कोई दम नहीं है। इनको हम थोड़ा हल्दी लगा करके थोड़ा इनको हम ट्रीटमेंट करेंगे, चूंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है। और देखिए पूरा टूटा हुआ, देखिए यहाँ देखा पूरा टूट गया, देखिए कितना दर्द। डरिए मत, जानकारी रखिए, जानकारी ही बचाव है। देखिए दोस्तों इस इनका जो एक आँख है ये देख सकते हैं, ये हमको नहीं लगता है कि इसमें है, वन साइड है और इधर देखिए ये फूटा हुआ है, फूटा हुआ है। ठीक है, तो हमको लगता है इसको पहले भी कोई मारा होगा, अपने तो ये लोग का झाड़ी बूढ़ी से ऐसा होगा नहीं। नहीं ठीक है, एक तो ये पहले से ही दर्द रहता है ऊपर से, और अभी बड़ा नहीं है उतना। नहीं नहीं, ये काफी अच्छा साइज है, वयस्क है। हाँ। ये वयस्क है। अच्छा, इसे एक जवान लड़का होता है ना, बस उसी उम्र का ही। चलिए फिलहाल इसको हल्दी लगाते हैं। हम इसको अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, 110% कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम बचाएं। अभी हमने इसको हल्दी लगा दिया है और हमें तो इतना आशा नहीं है कि ये वाला जो जुड़ सके, चुकी है इसका जो पीछे वाला हिस्सा है ये दोस्तों टूट चुका है। हालांकि हमने इसको हल्दी लगा दिया है, हल्दी बहुत ही अच्छा काम करता है, ये एंटीबायोटिक होता है और ये घाव फूकने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। देखते हैं हम क्या कर पाते हैं, अभी इसको जो है पैक करेंगे और इसको हम तुरंत ही जा करके अभी जंगल में रिलीज करेंगे। फ्रेंड्स हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डिस्को स्नैक्स ओवर 2.0 से हमारा नया यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि इसी तरह से बेजुबान को हम बचा पाएँ आप ही के सपोर्ट की वजह से। इसलिए हमारे चैनल को आप सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इसी तरह से बेजुबान को बचाएं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों ये हमने जो ब्लैक को रेस्क्यू किया है, जिसको मार कर चुकी है और हमें नहीं लगता है कि वो जी पाएगा, पर हम लोग का काम है उस बेजुबान को बचाना, तो इसलिए हम उसका भी तुरंत ही जो है कि उसको जंगल में हम रिलीज करेंगे। बस आप दुआ कीजिए कि वो बच जाए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो ये जो है अभी बहुत ही सुस्त हो गया है, चलिए इसको अभी हम एक बार जंगल में छोड़ देते हैं ताकि ये अपना गुजर बसर कर सके। अगर जिंदा रहा तो प्लीज़ दुआ कीजिए दोस्तों कि ये सांप बच जाए, हमें आज बहुत दुख हो रहा है कि इसको अगर मारना ही था, वो जिन्होंने हमें फ़ोन करके बुलाया था पहले इनको मार दिया, उसके बाद हमें कॉल करके बुलाया, तो हम जैसे आके देखे तो सांप जख्मी था। हालांकि हमने इसको हल्दी लगा दिया है, पर देखते हैं इसका किस्मत। छोड़ देते हैं चला जाए, देख सकते हैं ये जख्मी है और ये अपने आप को बॉडी को घींच नहीं पा रहा है। हालांकि हमने तो उसको यहाँ छोड़ दिया, इसको थोड़ा हम और अंदर कर देते देख, ये धीरे धीरे हमको लगता है ये अंदर शायद चला जाए। अगर अपने से जा पाया तो सोच लिए ये पर्यावरण में जी लेगा, अगर शिकार कर पाया तो ये एक आँख से भी फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में दोस्तों। तो फिलहाल हम इसको थोड़ा जंगल का और अंदर की तरफ छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए ये चला जाएगा दोस्तों। प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा जिस तरह से आप हमारे पहले चैनल को सपोर्ट करते थे।
जैसे कि दोस्तों आपने देखा अभी ये जो सांप हमने जंगल में रिलीज किया वो काफ़ी चोटिल था और हमें नहीं लगता कि वो अपना जीवन को आगे और ले जा पाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों सांप को मारे नहीं, हम हर बार वीडियो में बताते हैं, ये हमारे ईगो फ्रेंड होते हैं, पर्यावरण मित्र होते हैं, हर सांप हर जीव को जीने का अधिकार है।